चकेरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से चोरों ने 5 दुकानों को अपना निशाना बनाया। एक के बाद एक हो रही वारदातों से व्यापारियों में दहशत फैली हुई है। और बता दें कि 15 दिन पहले भी एक साथ करीब 4 दुकानों में चोरी की घटना चकेरी थाना क्षेत्र में हो चुकी है। और इस बार चोरी की वारदात अहिरवा में हुई है। अहिरवा के संजीव नगर निवासी सूर्यप्रकाश सोनी के घर के नीचे ही ज्वेलरी की दुकान है। सूर्यप्रकाश ने बताया कि शुक्रवार देर रात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर सोने और चांदी के आभूषण पार कर दिए। यही नहीं, चोर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। और सुबह जब इलाकाई लोगों ने शटर टूटा हुआ देखा तो इसकी सूचना दी गई। ज्वेलरी दुकान में करीब 2 लाख की चोरी की बात कही जा रही है। और उसके बाद चोरों ने श्याम नगर निवासी अविनाश तिवारी के मेडिकल स्टोर का भी शटर तोड़कर 20,000 रुपये और बीपी मशीन पार कर ले गए। अहिरवा निवासी गौरव कुशवाहा की दुकान से 20,000 का सामान और 15,000 रुपये चुरा लिए। चोरों ने इसकी चकेरी मोड़ निवासी गुलाब सिंह के जनरल स्टोर को निशाना बनाया और करीब 42,000 की नकदी और 2,000 का सामान चुरा ले गए। यहीं से कुछ दूरी पर विपिन कुशवाहा के मकान के बगल में स्थित उनकी ग्रॉसरी की दुकान से 5,500 रुपये, वेल्डिंग मशीन, लैपटॉप और मोबाइल की चोरी हुई है। सूचना पाकर सभी दुकानों में पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू की गई। कुछ दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोर कैद हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रामादेवी व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने 2 संदिग्धों को पकड़ा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस का ये कहना है कि संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। सभी दुकानों में चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सादस व्यापार मंडल कानपुर नगर से व्यापारियों को सेवक छोटा सा जिला अध्यक्ष हूँ। चकेरी थाने में बात की जाए तो आज 7 चोरियाँ हुई हैं। देर रात अज्ञात चोरों ने 7 व्यापारियों की दुकानों में शटर काट के चोरी की है। और चोरी की बात इस समय करते हैं हम लोग तो कानपुर नगर में जितनी भी बाजारें हैं हमारी, चाहे कोई भी थाना हो, चोरियों से अछूता नहीं है। पहले सर्दियों में चोरियाँ होती थी लेकिन इस समय कहीं ना कहीं पुलिस का लचर रवैया है। गश्त विधिवत तरीके से जैसे होनी चाहिए वो नहीं होती है। गश्त के समय नए नए जो आरक्षी आए हुए हैं वो सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, ड्यूटी पूरी करते हैं, चले जाते हैं। तो इसलिए जो ढील है पुलिस की, इसी वजह से चोरियाँ हो रही हैं। गर्मी के मौसम में इसके पूर्व में हम लोगों को देखने को चोरियाँ नहीं मिलती थी। व्यापारी असुरक्षित है, बाजारें हमारी असुरक्षित हैं, सिर्फ FIR कागज़ पर लिख ली जाती है। इसलिए हम लोगों में पुलिस विभाग के प्रति रोष है और हम लोग अपनी बाजारों की सुरक्षा स्वयं करेंगे